का नोटिस इशू हुआ है और जजमेंट तो सच नहीं आया है फाइनल जजमेंट तो कोई नहीं आया है बट नोटिस इशू हुआ था सुप्रीम कोर्ट का तो वो चीज़ें आप लोग को आइडेंटिफाई करना था इस एक्सरसाइज में कि जजमेंट दिया है कि ऑब्जर्वेशन दिया है कि नोटिस इशू किया है नोटिस इशू किया है तो किसको किया है इस तरह के क्वेश्चंस थे यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ अ पार्टी नेम्ड सिंगल फॉर्ट इलेक्शन यूज इन गन्ना शुगर केन एज अ सिंबल इन टू थाउजेंड नाइनटीन लोकसभा इलेक्शंस नाउ सी वट वॉज द सब्जेक्ट मैटर कोई एक्सप्लेन कर सकता है किसी को याद है सब्जेक्ट मैटर इसका ये था कि फ्री सिंबल्स का यूज कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है ठीक है फ्री सिम्बल्स क्या होते हैं फ्री सिम्बल्स एक कई सारे डायग्राम्स हैं कई सारे लोगोज हैं एक तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सिंबल्स उनको अलॉट करता है ऐसी पार्टीज़ को अलॉट करता है जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी नहीं है अब रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है तो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कैटेगरी दी हुई है क्योंकि पार्टीज़ का रिकगनीशन करना वेदर इट इज़ अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी वेदर इट इज़ अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी पार्टीज का रिकग्निशन करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर किसी पार्टी को रिकोगनाइज नहीं किया है तो वो अनरिकगनाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी और अनरिकग्नाइज पोलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस होता होगा तो रिकोगनाइज पोलिटिकल पार्टी को सर्टन इम्यूनिटीज हैं राइट सर्टन राइट्स हैं या सर्टन पावर्स हैं जैसे कैंपेनिंग के लिए फंड रेज करने की पावर तो उसकी फ्रीडम जो है एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा होती है अन पॉलिटिकल पार्टी को कुछ सर्टेन एडवांटेजेस हैं जो नहीं मिलते हैं ये डिफरेंस आता है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक पॉलिटिकल पार्टी जब रिकग्नाइज कर लेता है तो उसके लीडर का नाम राइट right? उसका सिंबल राइट ये सब चीज़ें क्या करता है ड्यू रिगार्ड्स में रख लगता है और इंश्योर करता है कि एक रिकग्नाइज पॉलिटिक जैसे पंजे का सिंबल है तो कांग्रेस का हमेशा से सिंबल पंजा नहीं था इंदिरा गांधी ने किया था उसके पहले वो बफेलो और काफ को यूज़ करते थे वो एक लोगो था उनका कांग्रेस का तो कांग्रेस का सिंबल जो है बहुत बार चेंज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो अन्य कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है लेकिन जो फ्री सिंबल्स होते हैं उसका यूज़ इलेक्शन टू इलेक्शन डिफर करता है अगर मान लो अगर एक पेन है एक फ्री सिंबल में एक पेन का डायग्राम है तो ये जो पेन का डायग्राम है ये अलॉट किया जाएगा इलेक्शन के पहले अन पॉलिटिकल पार्टी को अब पेन का डायग्राम पेन का लोगो लेट से मेरी पॉलिटिकल पार्टी है अनरिकग्नाइज है मैं स्टेट के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ और मेरे कुछ प्रत्याशी हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खड़े हो रहे हैं तो उनको कंटेस्ट करा जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नाम नहीं लिखा होता है सिम्बल्स बने होते हैं तो वो पेन का फ्री सिंबल मुझे अलॉट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और मैंने उस बार उससे चुनाव लड़ा पाँच साल के बाद अब मेरी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में तो आ गई एक दो सीटें हम जीत गए पर फिर भी अभी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रही है तो मुझे अगेन एक मेरा अपना सिंबल अलॉट नहीं हो सकता फिर अगेन मैं उस फ्री सिंबल पे एप्लीकेशन डाल देता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पेन वाला फ्री सिंबल उस अगले पाँच साल के चुनाव के लिए फिर से मुझे अलॉट कर देता है और फिर मैं क्या करता हूँ उस पर इलेक्शंस लड़ता हूँ ऐसे करके तीन चार बार मैं फ्री सिंबल का यूज़ करके अपने स्टेट में इलेक्शंस लड़ता हूँ पंचायत के इलेक्शंस लड़े और ये सब लड़ा उसके बाद क्या होता है कि पांचवें इलेक्शन में ऑलमोस्ट लाइक ट्वेंटी ईयर्स लेटर फिफ्टीन ईयर्स लेटर फिफ्थ इलेक्शन जब हो रहा है तो मैंने उस इलेक्शन में वो जो फ्री सिंबल है है ना उसके लिए एप्लीकेशन नहीं डाला और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो वो फ्री सिंबल उठा के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस फ्री सिंबल को यूज़ कर सकती है कि नहीं कर सकती है तो कर सकती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलॉट किया है अब जो पॉलिटिकल पार्टी पहले से पेन का सिंबल मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो पेन का सिंबल यूज करके पिछले तीन चार चुनाव लड़ते हुए आई है हालांकि वो फ्री सिंबल है लेकिन उसके ऊपर इलेक्शंस लड़ते हुए मैं आया हूं तीन चार इलेक्शन तो अब ये सिंबल पे क्या मेरा कोई अधिकार आ जाता है सोचिएगा आप इस बात पर क्या ये सिंबल अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यूज करती है जो खुद भी अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है बट वो फ्री सिंबल्स उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलॉट किया और अगर उस पर वो लड़ती है तो क्या वो उस पॉलिटिकल पार्टी को कोई अनड्यू एडवांटेज हो सकता है बिकॉज अगर उस सिंबल की वजह से उस पार्टी को अनड्यू एडवांटेज हो जाएगा तो वो इलेक्शन फ्री और फेयर तो नहीं रह जाएगा एटलीस्ट बिटवीन माई पार्टी एंड दैट पार्टी हमारे बीच में कॉन्टेस्ट फ्री और फेयर तो नहीं रहा सेकेंडली फ्री सिंबल्स जो हैं वो एक तरीके से कोई भी ले सकता है राइट right? लेकिन फ्री सिंबल्स पे लगातार कोई अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी अगर कंटेस्ट इलेक्शन करती है तो क्या वो फ्री सिंबल एक रिजर्व सिंबल में कन्वर्ट हो सकता है और अगर हो सकता है तो उसको कौन करेगा और कैसे करेगा इस चीज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और यह मामला क्योंकि हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का मामला है और हाई कोर्ट में इस चीज को खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने सीधे यही रीजनिंग दी कि जो फ्री सिंबल है वो कभी रिजर्वड सिंबल में नहीं कन्वर्ट हो सकता दैट वुड डिफीट द पर्पज ऑफ हैविंग अ फ्री फ्री सिंबल कोई भी यूज कर सकता है उसको अगर हमने उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिजर्व कर दिया तो हमने उस पॉलिटिकल पार्टी को वो अधिकार दे दिया जो कि रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के पास है फॉलोइंग इट नॉट मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई पूरा मामला था क्या समझ में आया आपको ठीक है अब मेरे सिंपल से एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा दिस मैटर हैज बीन अपील्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और नॉट अपील्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वट इंफॉर्मेशन डू यू हैव उ पिटिशनर्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फटाफट रीड करिए पैसेज को फिगर आउट करिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अपील लेके गए हैं राइट right? ये किस तरीके से पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है पैसेज में नहीं हर जगह वर्ड यूज किया है पिटिशनर Hmm. Hmm. So we do not exactly know from this that how they have come up before the Supreme Court. All that we know is that. प्ली बाय तमिलनाडु बेस्ड अनरिकग्नाइज पोलिटिकल पार्टी चैलेंजिंग द अलॉटमेंट ऑफ फ्री सिंबल्स टू अनिक्नाइज पोलिटिकल पार्टीज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट अर बेसिस राइट नाउ इफ यू रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट हाउ द पिटीशनर्स है पिटिशनर्स हैट इज दो द फोरम इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे हैव अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाउ तुम लोग सिविल प्रोसीजर कोर्ट पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो ना उसमें सबसे पहले तुमने क्या देखा था ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में तुमने सुना होगा किस कोर्ट का जोरिस्डिक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है द क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिजिक्शन इज द फर्स्ट क्वेश्चन राइट सो वेदर सुप्रीम कोर्ट हैज हैजिक्शन ओवर इलेक्शन मैटर्स और नॉट व्हाट डू यू नो टेल मी दिस वेदर सुप्रीम कोर्ट हैजरिस्डिक्शन ओवर इलेक्शन मैटर्स और नॉट डू दे हैव What is the prior knowledge that you have with respect to Supreme Court Can Supreme Court entertain election matters yes or no please answer Can they entertain election matters yes or no mm -hmm. Okay Others have others do not have any answer for this सी दिस इज द वॉट इज हैपनिंग यार डिसकंटिन्यूटी देखो कुछ बच्चे लेट में आए हैं आज तक यू हैव ग्रेट डील ऑफ पोर्शन बट कोई बात नहीं ऑल राइट सो वी हैव आंसर्स येस 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 वन पर्सन इज सेंग नो सार्थक इज ऑल्सो सेंग येस रिया वाई आर यू सेग नो वाई डू यू थिंक दैट सुप्रीम कोर्ट Cannot entertain election matters. What is the reasoning for your answer? Sir, I think the Election Commission has this power. Okay. if there is a question of law, then it can. But that it can entertain election related matters. Okay. Okay. So, you are correct that Election Commission of India is the primary body for the conduct of elections. Very correct not a problem in that what is the nature of election commission of india what type of body it is it is constitutional body okay so a decision taken by the constitutional body can't it be subject to judicial review yeah. no it can't be subject to judicial review because judicial review is only against the law enacted by either the state or the center. पार्लियामेंट या स्टेट जब कोई लॉ बनाता है उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के लिए जुडिशियल रिव्यू लगता है ठीक है तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई एक्शन ले रही है विच इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देन द सुप्रीम कोर्ट कैन डेफिनेटली एंटरटेन द मैटर so if you look into this particular passage everybody you will find that supreme court is not deciding supreme court is not deciding whether sir by article 142 to do substantial justice supreme court can't take up any matter that's very correct but 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 that matter has to be instituted before some court वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट इफ यू लुक क्लोजली इन दिस पैराग्राफ यू विल फाइंड दैट सुप्रीम कोर्ट ने ना तो रिट पिटीशन में यह मैटर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने ना तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में यह मामला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने ना तो स्पेशल लीफ पिटीशन में यह मामला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने ना तो ये अपील के मामले में ये चीज ले रहा है बिकॉज यहां पे अपील लिखा होता है यहां पे लिखा है ऑन अ प्ली बाइज तमिलनाडु बेस्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी नाउ सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये पॉलिटिकल पार्टी आई है तो इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर को चैलेंज किया है कि नहीं किया है ये आंसर करिए यस और नो में दिस पॉलिटिकल पार्टी हैज क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट Yes or no? The applicant, the petitioner, has questioned the decision of the Election Commission of India before the Supreme Court. Yes or no? One person is already saying yes. Okay. Akshit is saying yes. Yes, Suraj, I'll come to your point of free and fair election. But before that, answer this question. The applicant has appeared before the Supreme Court, challenging the order of Election Commission of India. Yes or no? Suraj is saying no. Why Suraj? Why it is no? Others, quickly look into the passage. Quickly look into the passage. Read the passage again, say. Fast give a reading again of the passage to find the answer of this question so most of you are saying yes sarthak is also saying yes riya is saying yes apurva is saying yes only suraj is saying no shoa is also saying yes <coughs>

सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर चैलेंज नहीं किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशनर वो प्रोविजन लेके आया है उस प्रोविजन को चैलेंज कर रहा है जिस प्रोविजन को फॉलो करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पिटिशनर फर्स्ट कर्म फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो कॉन्सेप्ट है अलॉटमेंट ऑफ फ्री सिंबल्स का कि मैंने मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हूँ मैंने आज एक 28 26 मार्च को एक नोटिस इशू कर दिया पब्लिक ऑफिशियल गैजेट में कि आई हैव 15 सिंबल्स एज फ्री सिंबल्स टू अलॉट हुए वॉन्ट्स टू यूज एनी सिंबल हैज़ एनी प्रेफरेंस फाइल एन application फ्रॉम थ्री मंथ्स पोस्ट the issue ऑफ दिस नोटिस तो छब्बीस मार्च छब्बीस अप्रैल छब्बीस मई और छब्बीस जून तक छब्बीस जून तक जो भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है मेरे पास पंद्रह सिंबल में किसी एक को अपना बनाना प्रेफरेंस लेके तो बता दे अदरवाइज मैं अलॉट कर दूंगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो गन्ने के सिंबल पर अगर तुम पहले आ जाते तुम ले क्लेम अपना डाल देते तो मैं तुमको अलॉट कर देता फर्स्ट कर्म फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो मैं सिंबल्स अलॉट कर रहा हूं ये मैंने तो सिंबल ये बनाया नहीं फर्स्ट कर्म फर्स्ट सर्व बेसिस ये एक एक्ट uh, है पार्लियामेंट का जो किसने बनाया प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला है बेसिकली प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हुआ है कि फ्री सिंबल्स को कैसे अलॉट किया जाएगा तो उसका उसका है इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 वो लॉ है उस लॉ के अंदर एक आई थिंक पैराग्राफ है Paragraph 10b Paragraph 10b of election symbols order. It will examine the scheme of paragraph 10b b of the election symbols order which deals with the grant of free symbols to parties and candidates on first come, first serve basis. The petitioner that is NTK has assailed the EC's policy for being unconstitutional. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है खुद की जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन वो पॉलिसी ही अपने आप में असंवैधानिक है इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज वॉट द पिटिशनर इज सेंग इन दिस सो सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू नॉट सी वेदर अलॉट वेदर डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज राइट और रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट इज ओनली गोइंग टू सी दैट द स्कीम और द लॉ ऑन विच ई सी रिलाइज to allot these symbols is within the limits of the constitution or they are arbitrary and unconstitutional now then there are certain questions which needs to be examined okay and the questions are what is the what are the questions the question is whether a free symbol can become a matter of right by one political party just because that political party has contested elections in the past using that free symbol

So, whosoever is a necessary party uh, is a person who will be affected by the judgment of the court is a necessary party. Whosoever is the party whose rights have been uh, under question or will get affected will become a necessary party. Election Commission of India is the disputed party, and the Ganna symbol has been already allotted to another party. If, let's say, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेज अनकॉस्टिट्यूशनल अलॉटिंग सिंबल्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया है गन्ना सिंबल टू ऑलरेडी अन अदर पार्टी तो वो डिसीजन भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा तो मेरे को गन्ना पार्टी मिल का सिंबल मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने जनवरी में पिटिशन गई मार्च अप्रैल तक मैंने एकदम धुआधार तरीके से कैंपेनिंग करी है गन्ना सिंबल यूज करके अब लो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यह पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो मैंने तीन महीने कैंपेनिंग कर दी है ना मुझे पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में यह डिसीजन चल रहा है तो बेटा तुम भी आ जाओ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कहता है आ जाओ तुम भी कोर्ट में नोटिस इशू कर दिया ये था पूरा मैटर छोटी सी बात थी लेकिन आपको हमेशा जब भी लीगल पैसेज को देखिए और न्यूज़ को देखिए लीगल न्यूज़ की तो हमेशा बेसिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि फोरम कौन सा है कौन सी कोर्ट है अब कोर्ट के बाद जब कोर्ट डिसाइड हो जाती है तो फिर आप ये देखिए कि कितने जजेस हैं दो जजेस हैं एक जज है पांच जज है तो नंबर ऑफ जजेस से हमें क्या पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इशू पता चलता है किसी भी मामले में पांच जज बैठा है अगर उसकी क्लार्ट में आने के चांसेस हंड्रेड होते हैं उस जजमेंट के क्लाट में आने के चांसेस हंड्रेड परसेंट है किसी मामले में अगर एक जज बैठा है दो जज बैठा है तो वो छोटी बेंच है वो मामले आते जाते रहते हैं कोर्ट में तो उसके ऊपर क्लॉर्ट में पैसेज नहीं देखा जाएगा अभी तक अगर क्लार्ट के पेपर के ट्रेंड को एनालाइज करें तो जो भी मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आया देखिए आपकी कोचिंग वाले आपको ये भी नहीं बताते इतना पढ़ा हुआ इतना पढ़े लिखे होंगे तब तो करेंगे ना ये कोचिंग के टीचर्स एक बार लॉ पढ़ लिए हैं वही बार 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 वही फैलते जाते हैं ये पता होना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जर्व करने पर आता है आप अभी तक उठा के देखिएगा दो से लेके दो चौबीस तक के पेपर में जो भी रीसेंट मामला आया है कॉन्टेम्प्रेरी इशू पैसेज में आया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने था पाँच जजेस होंगे सात जजेस होंगे ऑप्शुनिटी यान ये सारे मामले सब पांच जजेस के सामने आ चुके हैं लेकिन ये तो बहुत कोर में जाकर रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये वाला जो देखिए ये मामला है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन्वॉल्व है ना इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है इसलिए इस ट्रेंड के बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए ये पैसेज क्लैट में अपीयर करेगा कि नहीं करेगा इसके ऊपर आई कैन नॉट कॉमेंट लेकिन इलेक्शन पॉलिसीज नहीं पूछता है वो एक लॉ स्टूडेंट के लिए मतलब एक क्लाट एस्पिरेंट के लिए बहुत ओवर द टॉप होती है इलेक्शन पॉलिसीज के ऊपर डिसीजन लेना लेकिन हमारे इंडियन पॉलिटी में क्लास uh, इलेवेंथ में जब हम पॉलिटिकल uh, साइंस पढ़ते हैं तो क्लास इलेवेंथ में नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में डिफ्रेंशिएशन बताया जाता है उस केस में ये चीज़ अगेन इलेवंथ ट्वेल्थ के सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमैनिटीज़ के तो क्लाट भी क्वेश्चन दे सकता है लेकिन नोटिस इशू हुआ है जजमेंट नहीं आया है तो आपको इस पैसेज में क्या फाइंड आउट करना था कि कैच क्या है फोरम क्या है और क्वेश्चन क्या है ठीक है अब इसके आंसर्स अपने अपने चेक कर लीजिए लेट मी शेयर द आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द फर्स्ट क्वेश्चन द आंसर इज बी बीटा फर्स्ट का बी फर्स्ट का बीटा सेकेंड का डेल्टा थर्ड का बीटा फोर्थ का सी चार्ली फर्स्ट का बीटा सेकेंड का डेल्टा थर्ड का बीटा फोर्थ का चार्ली चेक कर लिया कर लिया चेक कितने करेक्ट हैं फोर आउट ऑफ फोर किसके सही हैं चारों सही हैं अक्षित और अपूर्वा के चारों सही हैं ओके थ्री आउट ऑफ करेक्ट फोर वाले अर्पिता एंड सार्थक गुड रिया सुवा ओम आस्था वेरी गुड ठीक है ठीक है ठीक है थ्री आउट ऑफ फोर चलो बहुत बहुत अच्छी बात है देख लो बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट uh, है uh, लेकिन इसमें अगेन एक, एक दो क्वेश्चन और थे बस मिनट एक मिनट एक मिनट सो फर्स्ट क्वेश्चन पे किसी को डाउट है थ्री आउट ऑफ फोर है नॉट नॉट अ प्रॉब्लम ठीक है कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है वो डिस्कस करते हैं तो सूरज का तो पता चल गया है पहला गलत हुआ है बाकी लोगों का दूसरा चौथा गलत हुआ है तीसरा गलत हुआ है <laughs> क्या लोग हो यार तुम लोग तुम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे कब आओगे क्या डाइवर्सिटी है बारह बच्चों में डाइवर्सिटी देखिए चारों क्वेश्चंस गलत हुए हैं किसी ना किसी के हाँ पहला वाला क्वेश्चन एक ही से गलत हुआ है तो ये ये सूरज तुमने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर दे दिया लेकिन इतने ऑब्वियस क्वेश्चन को गलत कर दिया तुमने जो बाकी लोगों ने सही किया है तो ये थोड़ा सोचो सूरज अगर अब तुम्हें, तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक रियलाइज़ नहीं होती है तो बताना ठीक है फिर मैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे आता हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री पे कितने लोग हैं दो लोग हैं क्वेश्चन नंबर टू पे भी दो लोग हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे एक ही है चलो तो क्वेश्चन नंबर थ्री मतलब था टेक्निकल तुम लोगों के लिए दो वाला टेक्निकल था अच्छा ओके जल्दी जल्दी मैं करा तो दो गलती से गलत हो गया सेकंड वाला सेकंड वाले पे तुम भी हो सेकंड का आंसर है बी बीटा आई गेस हाँ सेकेंड इज डेल्टा ओके टू का डी है सेकंड क्वेश्चन क्या है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट देखो ये क्वेश्चन करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द पैसेज था ना तो इसमें इस क्वेश्चन में, इस में आपको पैसेज को थोड़ा स्लो रीडिंग देना ही पड़ेगा बट स्लो रीडिंग देने के पहले एक बार आप ऑप्शन को देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट हैज डिनाइड टू एक्सेप्ट द पिटीशन ये कहाँ से सही हो जाएगा नहीं होगा सही आपको पता ही है क्योंकि यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडेज ऑट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन अ प्ली बाय तो रिस्पांस मांगा है तो मतलब डिनाइड टू एक्सेप्ट कैसे हो सकता है ठीक तो है तो ए एलिमिनेटेड द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव डिसाइडेड द मैटर बिफोर द इलेक्शंस एज डिलेड जस्ट क्या बकवास है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों जा रहे हैं तो कि सुप्रीम कोर्ट शुड हैव क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था वी आर नो वन टू टेल द सुप्रीम कोर्ट सो क्लाट इज नॉट गोइंग टू आज दिस मतलब आपका ओपिनियन डज नॉट मैटर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड नोटिस टू ऑल दोज पार्टीज हु हैड अप्लाइड टू यूज गन्ना एज देयर ड हु हैड अप्लाइड टू यूज गन्ना एज देयर पोलिटिकल सिंबल सुप्रीम कोर्ट एज इशूड नोटिस टू ऑल दार्टीज जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी गन्ना सिंबल को यूज करने के लिए नहीं 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 सुप्रीम कोर्ट ने किसको नोटिस इशू किया है यहां पर देखते हैं इशूड अ नोटिस टू अनदर अनरिकोग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी दैट वॉज ग्रांटेड द पोल सिंबल ऑन विच एन टी के हेड कंटेस्टेड इलेक्शन इन द पास नोटिस ओनली टू दैट पार्टी जिसको गन्ना सिंबल अलॉट किया गया था तो एबीसीट हो गया क्या बचा हमारे पास डी सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया सो फार सो गुड सेकेंड क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो गया ना किस किस का गलत था रिया क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ शोवा का क्लियर हो गया Sir, हाँ जीटेस्टेड हाँ ऑप्शन इज़ इज़ द पार्टी नहीं 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 समझ आया मेरे को क्या तुम्हारा डाउट नहीं समझ आया मेरे को तुमने क्या मार्क किया, मार किया है मैंने मार्क किया है सी। सी मार्क किया है ओके सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ऑप्शन लिखा है सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिस पहली बात दूसरी टू ऑल दोज पार्टीज हुईड टू यूज गन्ना एज देयर पोलिटिकल सिंबल विच अमंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी पार्टीज को नोटिस इशू किया है जिन जिन लोगों ने बोला था कि वो गन्ना सिंबल यूज करना चाहते हैं हु हैड अप्लाइड टू यूज तो पोलिटिकल पार्टी अपलाई किसके सामने करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने आप पैसेज में जाइए ना पैसेज की लाइन देखिए हाईलाइट करिए मैंने आपके सामने ये वाली लाइन अरे कहाँ गया जो ब्लू पेन से हाईलाइटेड है डी वाई चंद्रचूड़ जेपी वाला, मनोज मिश्रा ऑल्सो इशूड अ नोटिस पहली बात तो एक नोटिस दिया है यहां से देखिए टू अनदर अनरिकाइज पॉलिटिकल पार्टी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है ऑल पार्टीज नहीं है दैट वॉज ग्रांटेड द पोल सिंबल ऑन विच एनटीके है कंटेस्टेड इलेक्शन इन द पार्ट एनटीके ने पहले गन्ना सिंबल यूज करके चुनाव लड़े थे और अभी वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को असाइन कर दिया है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को कोर्ट को ने नोटिस इश्यू किया है क्लियर हुआ रिया कि नहीं क्लियर हुआ इट इज गिवन इन द फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट पैराग्राफ फोर्थ फोर्थ लाइन फोर्थ टू फिफ्थ लाइन आर यू क्लियर रिया नाउ नहीं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है नो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री पे वी हैव आस्था एंड ओम अच्छा अच्छा क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है बीटा और तुम लोगों ने क्या मार्क किया है आस्था ने ए मार्क किया ओम तुमने क्या मार्क किया है सी मार्क क्या है ओके ए और सी तो पैसेज में दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग रीजनिंग यूज बाय द हाई कोर्ट वाइल रिजेक्टिंग द पिटिशन कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी थी कौन सी हाई कोर्ट की बात हो रही है यहां पे पैसेज में जाते हैं यहाँ पे द हाई कोर्ट हैड ऑब्जर्व इन द रीसेंट ऑर्डर द पिटिशनर बाय द प्रपोज रीफ्रेजिंग इज सीकिंग टू रिटेन एन एडवांटेज फॉर द रजिस्टर्ड अनिटिकल पार्टीज टू गेट द कंटिन्यूड एक्सेस टू पर्टिकुलर फ्री सिंबल एंड देर फॉर इनडली कन्वर्टिंग सिंबल अ सिंबल हैड है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैड नोटेड द इनफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन वॉज पब्लिश सेवरल मंथ्स इन एडवांस And while the petitioner applied for the Ganna symbol on February 9th, the successful political party made the application on the first date itself. And petitioner was also fully aware of the first acceptance date of application, 17th December 2023, and its significance in this scheme, and had made use of the name to its advantage in the past. Okay, so here is the reasoning given by the High Court a the petitioner had contested the elections in the past using the ganna symbol which is a free symbol and hence other parties should also get a chance to use that symbol the petitioner had contested the elections in the past using the ganna symbol which is a free symbol and hence other parties should also get a chance

ये स्टेटमेंट तो ओम फैक्चुअली गलत है कन्फ्यूजन ए और बी में है पिटिशनर ने अप्लाई नहीं किया था विद इन रीजनेबल टाइम पिटिशनर ने अप्लाई नहीं किया था विद इन रीज़नेबल टाइम डी की बात करें तो पिटिशन इज़ फाइल्ड ड्यू टू मैलिफाइड पॉलिटिकल इंटेंशन ये तो एलिमिनेट हो जाएगा आउट ऑफ कॉन्टेक्सट है अब देखिए रीजनिंग देखनी है हाई कोर्ट ने जिस रीज़न पे रिजेक्ट किया है पिटिशन को ठीक है वो चीज़ देखते हैं this code is of the view that if the plea of the petitioner party is accepted the same will operate against the essence of free symbols as it will take away the rights and benefits granted to the unrecognized political parties to and to contest the elections with a free and a common symbol yes so this question may again those students those who have marked a and those who have marked b both are correct both are correct right तो थर्ड क्वेश्चन इज समथिंग जिसमें ए एंड बी बोथ विल बी रीजनेबली करेक्ट बोथ आर द करेक्ट रीजन ठीक है सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है क्लियर विद दिस किसी और ने भी ए मार्क किया था थर्ड का हाउ हमनी ऑफ यू आर मार्क्ड ए अदर देन आस्था हमनी ऑफ यू आर मार्क्ड ए अदर देन आस्था नो Everybody had marked B. कैसे यार? ये क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में क्यों नहीं आया? आसा व्हाई डिन्ड यू गो फॉर B? So because I read that the poet of few and it that, uh, it should it is because uh, the essence of pre symbols will be uh, like it will be uh, degrees or what? Okay. So I mark I, I did not got I don't know why but I did not got any evidence for B. Yes, I thought the primary the primary reasoning was B, so I marked a. I thought B was not the meaning. No, B is also given. You see, in the present case, the High Court had noted. द इन्फॉर्मेशन विध रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन वॉज पब्लिश सेवरल मंथ्स इन एडवांस एंड वाई द पिटीशनर अपलाइड फॉर द गन्ना सिम्बल ऑन फेब्रवरी नाइन्थ सक्सेसफुल पोलिटिकल पार्टी मेड द एप्लीकेशन ऑन द फर्स्ट डेट इट्सल्फ तो जिस पार्टी को गन्ना सिम्बल मिल गया है मान लेंगे जिसने कि उसने ही अप्लाई किया था फर्स्ट डेट को राइट सो दिस वॉज ऑल्सो गिवेन सो इफ यू वेंट फॉर एड हैल्सो गॉन फॉर बी ई मीन कूड हैव है बट ठीक so है बोथा करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में डाउट था सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है सी और आपने क्या मार्क किया है जिसको भी डाउट है ए मार्क किया है वेदर द हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट वॉज वैलिड और नॉट वॉट इज द क्वेश्चन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सो अर्पिता आई थिंक ये तो मेरा पहला ही सवाल था कि वॉट इज़ द क्वेश्चन दैट सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर सो ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इज़ वैलिड और नॉट दैट इज़ नॉट दे आर गोइंग टू लुक इन टू दे आर गोइंग टू सी वेदर दैट स्कीम इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट हाई कोर्ट ने तो इनके हाई कोर्ट ने क्या किया था एन टी के जो पार्टी है जो गन्ना सिंबल से लड़ना चाहती है उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था एज आपको पता है कि इलेक्शन हाई कोर्ट के सामने जाते हैं हाई कोर्ट इज़ द फर्स्ट फोरम ऑफ इलेक्शन पिटिशन्स बट सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन पिटिशन्स नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने सब्सटैशियल क्वेश्चन ऑफ़ लॉ के ऊपर बात जाती है तो सब्सटैशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जिस जिस लॉ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलाय करता है वो लॉ अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है सो दैट इज वाई द पॉलिसी और द स्कीम इज़ इन क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट नॉट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ठीक है आर यू क्लियर अर्पिता सो so इसका तो क्लियर आंसर है डिस एकदम क्लियर एंड डिरेक्ट आंसर है सी बट कोई बात नहीं सो थर्ड क्वेश्चन वॉज अ लिटल डाई सी बट दैट्स दैट्स द गेम वेयर यू कंटेस्ट ऑप्शंस एंड अदर देन दैट इफ पीपल हैड नॉट मार्क्ड ओनली मार्क्ड बी वेल एंड गुड इफ यू आर मार्क्ड ए वेल एंड गुड ठीक है सो दिस वॉज यू नो यू कैन से लेकिन ये पैसेज जो है वो थ्री आउट ऑफ फोर वाले थोड़े आप लोगों के लिए खतरा बराबर से बना हुआ है ओम आस्था और uh, सूरज सार्थक ठीक है अर्पिता यू स्टिल आर इन द ग्रे जोन बिकॉज ये पैसेज फोर आउट ऑफ फोर वाला है इट्स नॉट दैट